सब्सक्राइब करें आराधनास कुकिंग शो को और दबाएं बेल बटन मेरी बनाई गई रेसिपीज को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आराधनास कुकिंग शो में। आज हम बनाने जा रहे हैं ऑनियन चटनी। आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। हमें चाहिए 3 प्याज मध्यम आकार के मोटे कटे हुए, नमक स्वाद अनुसार, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च, 2 सूखी लाल मिर्च। अगर आपके पास काश्मीरी मिर्च हो तो फिर आप मिर्च पाउडर का इस्तेमाल ना करें। 1/2 छोटा चम्मच चना दाल, थोड़ा सा इमली, 1/4 छोटा चम्मच राई, 8 से 10 करी पत्ते, तेल 2 बड़े चम्मच और थोड़ी सी हींग। सबसे पहले हम एक पैन गरम कर लेंगे और उसमें 1 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा हम उसमें चना दाल और सूखी हुई लाल मिर्च को तोड़ के डाल देंगे और इसके बाद हम इसे हल्का सा भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को हम मध्यम आंच पर चलाते हुए सुनहरा होने तक भून लेंगे। हमारी प्याज सुनहरी हो गई है। अब हम गैस की आंच बंद कर देंगे और प्याज को हम एक ग्राइंडर जार में निकाल लेंगे। इसके बाद हम प्याज में इमली, लाल मिर्च, नमक, हींग और 2 बड़े चम्मच पानी डाल देंगे और इसे हम मिक्सी में पीस लेंगे। देखिए हमारी प्याज पिस गई है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। तड़के के लिए हम एक तड़का पैन में 1 चम्मच तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें राई, लाल मिर्च और करी पत्ता डाल देंगे और तड़के को तैयार कर लेंगे। इसके बाद हम तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे और हमारी प्याज की चटनी तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।